आर एस एस बी का जो सी ई टी का एग्ज़ाम लगा था ये एग्ज़ाम सात जनवरी दो हज़ार तेईस को कंडक्ट करवाया गया था आर एस एम एस एस बी के द्वारा और इस एग्ज़ाम की जो आंसर की है फाइनल आंसर की उसको हम आपको साझा करने वाले हैं कि जो ये क्वेश्चन है उनके आंसर किस प्रकार से माने हैं आर एस एम एस एस बी के द्वारा और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये जो पेपर है ये एक सौ इक्कीस ए ये जो कोड है पेपर का और ये प्रथम चरण का पेपर है और बात करें तो ये ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातक स्तर का ये एग्ज़ाम है इसको हम अभी सोल्यूशन करेंगे कि किस किस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होना है तो अब चलिए साथियों हम शुरू करते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें डेढ़ सौ क्वेश्चन आते हैं अभी जो कैलेंडर जारी किया है आर एस एस बी के द्वारा उस कैलेंडर के अनुसार सी ई टी का एग्जाम अब जल्द ही लिया जाएगा तो उसकी तैयारी में जुटे सभी जो अभ्यर्थी है वो पुराने पेपर को सोल्यूशन के साथ हल करते हुए आप ज़रूर देखिएगा कि इन प्रश्नों से आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें कितने या किस प्रकार से आने वाले क्वेश्चन होने हैं तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमिलित नहीं है जो सुमिलित नहीं है वो बताना है तो इसका जो राइट आंसर है वो आर के द्वारा माना है बी हरिमोहन माथुर करौली ये सुमिलित नहीं है जो सुमिलित है उनकी बात करें तो वो है कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर मथुरादास माथुर मारवाड़ गोपीलाल यादव भरतपुर क्वेश्चन नंबर दो है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई तो कब हुई तो राइट आंसर है इसका बी उन्नीस में आगे क्वेश्चन नंबर तीन है अठारह की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो माना है विलियम इडन ने आगे क्वेश्चन नंबर चार है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था तो इसका जो राइट आंसर है वो चार नंबर का माना है लार्ड कैनिंग को क्वेश्चन नंबर पांच है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था तो इसका जो राइट आंसर है पांचों का वो है चार्ल्स मेटकॉफ आगे क्वेश्चन नंबर छह है हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई तो राइट आंसर है छठे क्वेश्चन का हरी उपाध्याय बी ऑप्शन राइट है आगे क्वेश्चन नंबर सात है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था तो राइट आंसर है प्रताप प्रताप नामक समाचार पत्र क्वेश्चन नंबर आठ है अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितेश सभा की स्थापना की गई सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था तो राइट आंसर बताना है इसमें आठवें क्वेश्चन का तो इसका जो माना है वो डी को माना है दोनों कथन सत्य है आगे क्वेश्चन नौ है अठारह की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था तो राइट ऑप्शन उप, माना है ठाकुर कुशाल सिंह क्वेश्चन नंबर दस है निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया तो राइट आंसर माना है दसवें में डी बिजोलिया आगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह है महेंसर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है तो इसका राइट आंसर है वो माना है सोने की चित्रकारी के लिए क्वेश्चन नंबर बारह है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ तो राइट आंसर माना है मंगलूना गांव में आगे क्वेश्चन नंबर तेरह है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है तो राइट आंसर माना है उदयपुर में आगे क्वेश्चन नंबर चौदह है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है तो राइट आंसर है चौदह हुएगा बी ऑप्शन झाला पाटन ये जो पेपर है इसको हम हल कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर आर एस एस बी के द्वारा क्या माना है आपको ये जो क्वेश्चन है हल करते समय ये भी ध्यान रखना है कि किस पोर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जैसे अभी ये कल्चर वाला है और साथ में हिस्ट्री वाला जो ये दिया हुआ है तो आपको इससे पता चलेगा कि किस प्रकार से ये पोर्शन में ये क्वेश्चन है किस प्रकार से कंडक्ट करवाए गए हैं आगे इसमें चौदहवा क्वेश्चन है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है यह हमने पढ़ लिया राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर पंद्रह चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था तो राइट आंसर है का बी ऑप्शन उन्नीस क्वेश्चन नंबर सोलह है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है तो साथियों जो नया ही क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है सोलवेगा वो है बी नागौर में क्योंकि यह नागौर दरबार लगा था 1570 में उस समय यहाँ पे ये शुक्र तालाब बनवाया था फिर आगे क्वेश्चन नंबर है लोद्रवा प्रसिद्ध है तो इसका जो राइट आंसर है वह है जे के लिए क्वेश्चन नंबर अठारह है साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था तो राइट आंसर है अठारहवें का सी ऑप्शन महाराणा जगत सिंह प्रथम क्वेश्चन नंबर उन्नीस फलकूबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है तो राइट आंसर है उन्नीसवे क्वेश्चन का बी ऑप्शन चरी नृत्य ये गुर्ज, गुर्जर समाज में होता है यह क्वेश्चन नंबर बीस है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है तो राइट आंसर रा है बीसवे का ए ऑप्शन खड़ताल क्वेश्चन नंबर इक्कीस निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया तो इसका जो तो राइट आंसर रा है इक्कीसवे का वो है डी ऑप्शन बनारस षड्यंत्र मुकदमा क्वेश्चन नंबर बाईस है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है तो जो आभूषण वाला टॉपिक उस है उससे क्वेश्चन उठाया तो इसमें जो राइट आंसर है वो रमजोल कलाई बल्कि ये पैर में पहना जाता है आगे हम बात करें इनमें देख लेते हैं सुरलिया कान में होता ही है तिमणिया गले में होता है तगड़ी कमर में होती है ठीक है रमजोल ये पैरों में होता है रमजोल आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो पैरों में घुंघरू बांध कर जो नाच जो नृत्य किया जाता है उन घुंघरुओं को जो बोलते हैं कि ये चमड़े पर लगे होते हैं वही रमजोल होते हैं ठीक है फिर आगे तेईसवें क्वेश्चन है श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है तो राइट आंसर है तेईसवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन देवगढ़ क्वेश्चन नंबर चौबीस है सुमिलित करना है कुलदेवी है एक तरफ दूसरी तरफ जाती है तो राइट आंसर है चौबीसवें क्वेश्चन का सी पहले में चार यानी करणी माता चारणों की कुलदेवी है दूसरे में तीन सकराय माता खंडेलवालों की कुलदेवी है तीसरे में दो आई माता है वो सिरवी की कुलदेवी है चार में एक नारायणी माता है ये नाई जाति की कुल देवी है आगे क्वेश्चन नंबर पच्चीस है पतारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है इसका जो राइट आंसर है पच्चीसवें क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन चौदह चौदह खंडों में क्वेश्चन नंबर छब्बीस है गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है तो राइट आंसर है छब्बीसवें क्वेश्चन का डी ऑप्शन गौड़ी संप्रदाय क्वेश्चन नंबर सताइस है केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा किया किसको संबोधित करके लिखा तो इसका जो राइट आंसर है सत्ताईसवें का वो बी ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है तो राइट आंसर है अट्ठाईसवें का डी ऑप्शन नाथ संप्रदाय का क्वेश्चन नंबर उनतीस है बडार क्या है तो ये जो बडार है ये क्या है बताना है तो इसका राइट आंसर है वो माना है विवाह पर आयोज्य भोज्य क्वेश्चन नंबर तीस है निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है जो सम्मिलित नहीं है वो पूछा है तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज विजय चंद्रवृदय बल्कि ये जयानक की लिखी हुई थी पृथ्वीराज विजय अब इनमें आगे है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य के सही है और वंश भास्कर सूर्य मिश्रण की ठीक है कौन लेमाला उद्धतन सूर्य के ये भी ठीक है और यहाँ पे पृथ्वीराज विजय जयानक की हो जाएगी फिर आगे इसमें है मुगति नामक कविता संग्रह के रचयिता है तो राइट आंसर है इकतीसवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन मिठेश निर्मोही क्वेश्चन नंबर आगे है बत्तीस भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है तो राइट आंसर है बत्तीसवें क्वेश्चन का डी ऑप्शन खोएतु क्वेश्चन नंबर 33 है चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है तो राइट आंसर है तैतीसवें का कल्लाजी चौतीसवां क्वेश्चन है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे तो राइट आंसर है चौंतीसवें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सुहारवर्दी क्वेश्चन नंबर पैंतीस मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है पैंतीसवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन जालोर क्वेश्चन नंबर छत्तीस है यदि भारतीय मानक समय आई को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा तो राइट आंसर है पैंतीसवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन ये छत्तीसवा क्वेश्चन है छत्तीसवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सितानवे डिग्री तीस इंच पूर्व तीस मिनट भी बोलते हैं फिर आगे सैंतीसवा है भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है तो राइट आंसर है सैंतीसवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन पैंतीस सेंटीमीटर से पचहत्तर सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्वेश्चन नंबर अड़तीस है भारत को पंद्रह कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है तो राइट आंसर है अड़तीस ए योजना आयोग द्वारा आगे क्वेश्चन नंबर उनचालीस है भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी तो इसका जो राइट आंसर है उनचालीस नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है लूणकरण सर में क्वेश्चन नंबर चालीस है भारत में सर्वाधिक राज्य उत्पादक राज्य है तो राइट आंसर है फोर्टीन क्वेश्चन का डी ऑप्शन कर्नाटक क्वेश्चन नंबर इकतालीस है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमिलित नहीं है जो सुमिलित नहीं है वो बताना है तो फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है वह है कुमारी मध्य प्रदेश जो सुमिलित उनकी बात करें तो पोनम केरल है पोन्डू आंध्र प्रदेश और ओडिशा है झूम असम है क्वेश्चन नंबर बयालीस है पाक स्ट्रेट अवस्थित है तो राइट right आंसर है बयालीस नंबर क्वेश्चन का डी भारत और श्रीलंका के मध्य क्वेश्चन नंबर तैयलीस है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है तो राइट आंसर है सी बारनेर क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है तो राइट आंसर है चौवालीस का सी मिजोरम क्वेश्चन नंबर पैंतालीस है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है तो राइट आंसर है पैंतालीस का कावेरी क्वेश्चन नंबर छियालीस है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है तो राइट आंसर है छियालीस में सी कोटा बूंदी क्वेश्चन नंबर सैंतालीस है जनगणना दो हजार ग्यारह के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है तो राइट आंसर है सैंतालीस में ए राष्ट्रीय औसत से पंद्रह बिंदु कम है आगे क्वेश्चन नंबर अड़तालीस है जनगण दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है तो राइट आंसर है अड़तालीस नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन तेरह दशमलव पांच प्रतिशत आगे क्वेश्चन बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है तो राइट आंसर है फोर्टी नाइन का ए ऑप्शन टोंक और छाईमाधोपुर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी निम्नाकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमिलित नहीं है जो सही सुमिलित नहीं है वो ऑप्शन है लसाड़िया का पठार राजमंद अब देखो इसमें जो सही है उड़िया का पठार माउंट आबू बाकर पूर्वी सिरोही और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य और जो लसड़िया का पठार है ये लसाड़िया ये उदयपुर हो जाता फिर आगे क्वेश्चन नंबर इक्यावन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है तो राइट आंसर है इक्यावन नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिलवाड़ा और सिरोही आपके जानकारी के लिए बता दूं ये मिट्टी वाला जो मृदा वाला जो ये टॉपिक है इसमें कुछ ये इस प्रकार के वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं तो इनके जैसे मतलब आठ नौ नाम है ये इनको आप जरूर याद कर लेना क्योंकि इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इन्हीं में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमिलित नहीं है तो राइट आंसर है बावन नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन तांबड़ा काला गुमान काला गुमान ये नागौर का है तामड़ा का नागौर तो आपकी जानकारी के लिए ये भी सही रहेगा कि खनिज से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मिलान करने वाले ही होते हैं कि खनिज कहाँ से निकला कहाँ से खनन हुआ और किस स्थल से हुआ ये इतना ही पूछते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, रह, नहीं रहती क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको तो आधार मान कर तैयारी करना और बाकी समय मिले तो अलग से भी कुछ पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है तो राइट आंसर है फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बारह क्वेश्चन नंबर चौवन है ये जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये परवन नदी के किनारे है चौवन नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है तो राइट आंसर है इसमें चौवनवे में इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन को माना है अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र क्वेश्चन नंबर पचपन है बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है तो राइट आंसर है पिछपन नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन जोधपुर क्वेश्चन नंबर छप्पन है राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व सौ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना दो के अनुसार राइट आंसर है छप्पन में बी जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर क्वेश्चन नंबर सत्तावन है राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई तो राइट आंसर है 57 का बी 2010 क्वेश्चन नंबर अट्ठावन है राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो राइट आंसर है अट्ठावन नंबर क्वेश्चन का ए दक्षिण तथा तो दक्षिणी पूर्वी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन है दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था तो राइट आंसर है फिफ्टी नाइन का डी ऑप्शन धौलपुर क्वेश्चन नंबर साठ है खस की खा, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है किस विभाग में पाई जाती है ये पूछा है तो इसका जो साठवा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है भरतपुर और टोंक वन विभाग में क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपुर गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी तो राइट आंसर है इकसठवीं क्वेश्चन का ए ऑप्शन तीन चौथाई क्वेश्चन नंबर बासठ है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे तो राइट आंसर है बासठ में ए महाराव संग्राम सिंह क्वेश्चन नंबर तिरसठ है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता है जो शामिल नहीं होता वो है तिरसठवें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता बल्कि जो शामिल होते हैं उनमें मुख्यमंत्री होता है विधानसभा अध्यक्ष होता है विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होता है आगे क्वेश्चन नंबर 64 है राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है तो राइट आंसर है 64वें क्वेश्चन का ₹25000 क्वेश्चन नंबर 65 है राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो राइट आंसर है 65वें क्वेश्चन का केके के गोयल क्वेश्चन नंबर 66 राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई तो राइट आंसर है छियासठ वे क्वेश्चन का ए ऑप्शन उन्नीस क्वेश्चन नंबर सड़सठ है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तो ये जो कथन है टिक्का राम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं दूसरा कथन है हरिशंकर भावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो अब इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है तो सड़सठवा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो सी को माना है यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है आगे क्वेश्चन है अड़सठ नंबर राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम दो है के अंतर्गत प्रथम अपील ये प्राधिकार, प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है तो राइट आंसर है अड़सठवें क्वेश्चन का डी ऑप्शन साठ दिन में क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं है। दूसरा है राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के सी है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के डी है समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के तो इनमें जो राइट आंसर है वो बताना है तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा उनहत्तर नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं कौन राज्यपाल और किस प्रकार के होते हैं पद्ययन कुलधिपति होते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है निम्न से में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राइट आंसर है सेवनटी नंबर क्वेश्चन का भैरो सिंह शेखावत क्वेश्चन नंबर इकहत्तर है निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है किसके द्वारा तो राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्वेश्चन नंबर बेहतर है एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो राइट आंसर है नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सचिव वित्त मंत्रालय बाकी में तो गवर्नर के होते हैं लेकिन इसमें एक रुपये वाले में सचिव वित्त मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर होते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है तो राइट आंसर है क्वेश्चन का A option, A का ए ऑप्शन कामगारों एक राष्ट्रीय के तो का केसर मिशन निम्नलिखित में से, निम्न से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया तो राइट आंसर है पचहत्तर नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्वेश्चन नंबर छिहत्तर है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी तो राइट आंसर है तोराइट क्वेश्चन का ए एम विश्वेश्वरैया क्वेश्चन नंबर सेवनटी सेवन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है तो राइट तोराइट सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन का उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी तो राइट आंसर है नंबर क्वेश्चन में ए दो क्वेश्चन नंबर सेवनटी है केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है तो राइट आंसर है सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बैंक दर साथ में जो ये हम पेपर पढ़ रहे हैं ये सीई का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है अभी इसके साथ ही आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज टू पॉइंट की जो प्ले है उसको ओपन करोगे तो उसमें सीई के जितने भी पेपर हुए हैं चाहे लेवल बारहवीं क्लास का हो या ग्रेजुएशन स्तर यानी स्नातक स्तर का हो ठीक है आप दोनों ही प्रकार के लेवल में जितने भी एग्जाम हुए हैं सी से संबंधित या आगे भी जितने होने हैं उन सभी के सोल्यूशन के साथ आपको ये वीडियो मिल जाएंगे आप वहाँ से आप देख सकते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करते हुए लाइक करते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना आगे क्वेश्चन नंबर है अस्सी सन 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया तो राइट आंसर है नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सात जिले क्वेश्चन नंबर एट्टी वन है इक्यासी नंबर वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है तो राइट आंसर इक्यासी में डी जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली क्वेश्चन नंबर बयासी है मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान की शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है तो राइट आंसर है बी नंबर क्वेश्चन का सी बी नंबर का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्वेश्चन नंबर तेरा है राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं तो राइट आंसर है एट्टी का बी ऑप्शन जैसलमेर क्वेश्चन नंबर चौरासी है सुमेलित कीजिए अब इनमें सुमेलित करना है चौरासी नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी को माना है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं सी को माना है चौरासी नंबर क्वेश्चन में तो एक में चार यानी अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर है अजरक प्रिंट प्रिंट ठीक है फिर इसमें दो में तीन पावरलूम कपड़ों पर छपाई का कार्य वो बलोत्रा बाड़मेर में है ठीक है तीन में दो मोठडा ये जोधपुर मोठडा की वो पकड़ी होती है वो भी होती है फिर इसमें चार में एक मसूरिया कोटाडोरिया ये केथुन कोटा में है मसूरिया केथकोरिया ये मसूरिया है ना ये केथुन कोटा में है ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमिलित नहीं है जो सुमिलित नहीं है वो है एट्टी फाइव नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन परवन लिफ्ट जयपुर ये सुमिलित नहीं है बल्कि जो सुमिलित है वो सावन बादो कोटा सोम कागदर उदयपुर सोम कमलाम्बा डूंगरपुर ये सुमिलित है क्वेश्चन नंबर आगे छियासी नंबर क्वेश्चन भोर बी एच ओ आर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है तो राइट आंसर है छिया नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन भिक्षुकों का पुनर्वास क्वेश्चन एट्टी सेवन है मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है तो साथियों इसका जो राजस्थान में स्थान है मूंगफली का वो द्वितीय स्थान है क्वेश्चन नंबर अठासी है राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डी पी ए पी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है तो राइट आंसर है वो है पचहत्तर अनुपात पच्चीस का पचहत्तर तो है केंद्र का और पच्चीस है राज्य का हिस्सा क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित है तो राइट आंसर क्वेश्चन का लाखेरी बूंदी में क्वेश्चन नंबर नब्बे है निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है तो जो जिला नहीं है लाभार्थी वो है पाली क्वेश्चन नंबर है। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो राइट आंसर है इक्यावे नंबर क्वेश्चन का ए शिक्षा परख शिक्षा से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 92 टू है अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सोर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया राइट आंसर है बानवे बा, नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन जैसलमेर क्वेश्चन नंबर तिरानवे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जो सत्य कथन है वो बताना है तिरानवे का तो ये इसका राइट आंसर डी को माना है एक दो तीन चार चारों ही कथन सत्य हैं तो हम इनको देखते हैं छह अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के चौदहवें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली व्यक्ति के अनुसार दूसरा है जगदीप धनखड़ का संबंध झूझनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं तीसरा है यह लोकसभा सांसद राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं चौथा है, है, है वर्तमान में, के के में है। संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं मतलब संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष जो लो, लोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के ही अध्यक्ष है वो राजस्थान से है वर्तमान में ये का है तो ये चारों ही बात तिरानवे नंबर क्वेश्चन के अनुसार सही है आगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है महा तो इसका जो राइट आंसर है चौरानवे नंबर क्वेश्चन का वो है ए एंटोनियो गुटेरेसा पचानवे पि, नंबर क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया तो साथियों इसका जो राइट आंसर है पचानवे नंबर क्वेश्चन का वो है ऑपरेशन सर धावा क्वेश्चन नंबर छियानवे है के बिडला फाउंडेशन द्वारा बत्तीसवा बिहारी पुरस्कार डॉ माधव हाडा को प्रदान किया गया उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया तो इसका राइट आंसर है पतरंग चोला पहर सखीरी इसके लिए क्वेश्चन नंबर सितानवे है निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है तो राइट आंसर है सितानवे नंबर क्वेश्चन का ए हैदराबाद क्वेश्चन नंबर अट्ठानवे है जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी तो राइट आंसर है 98 नंबर क्वेश्चन का डी नागपुर में क्वेश्चन नंबर निन्यानवे हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया तो राइट आंसर है निन्यानवे नंबर क्वेश्चन का गाजी खान बरना क्वेश्चन नंबर सो है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है आंसर तो है सो में स्वियातेक क्वेश्चन नंबर एक है निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है राइट आंसर एक सौ एक वा क्वेश्चन डी ऑप्शन जेपीजी जीआईएफ बीएमपी हमने साथियों अभी तक एक सौ एक नंबर तक क्वेश्चन हल कर लिए हैं ये जो सी का एग्जाम इसी प्रकार के और भी एग्जाम जो अभी कंडक्ट करवाए हैं आर के द्वारा उन सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज टू पॉइंट जीरो की जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल देंगे आप जो पेपर देखना चाहें और अपने मित्रों को जो चाहिए आप वो शेयर कर सकते हैं और आपको ये वीडियो कितना अच्छा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा आगे क्वेश्चन नंबर एक है स्तंभ एक और स्तंभ दो का मिलान करना है ठीक है तो एक सौ क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो आर एस एस बी के द्वारा माना है वह ए। ए, ए ए में तीन मतलब बार कोर्स है वो डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल इससे मिलान होगा आगे फिर है ओ एम आर वो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिए सी में चार एम आई सी आर है वो है बैंक चेक बैंक के चेक के लिए फिर डी में दो क्यू आर कोड है वह है ऑनलाइन पेमेंट के लिए ई में पाँच ओ सी आर है ओ सी आर है वो है छपे हुए पेज का डेटा एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण इसके लिए ये ऑप्शन राइट माना है एक सौ दो में आगे क्वेश्चन नंबर एक सौ तीन है एम एस वर्ड दो हज़ार उन्नीस के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जा, जाने के लिए की स्ट्रोक की स्ट्रोक है ये की बतानी है ठीक है तो एक सौ तीन नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी को माना है शिफ्ट प्लस ए फाइव क्वेश्चन नंबर एक सौ चार है एम एस एक्सएल में निम्न में से कौन सा सही फार्मूला है जो फार्मूला है उसको बताना जो सही है वो राइट आंसर है बी को माना है इक्वल पावर फिर कोष्टक में टू कोमा थ्री बंद ये फार्मूला है क्वेश्चन नंबर एक सौ पाँच है एन टी एफ एस का मतलब है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था तो राइट आंसर है एक सौ पाँच का सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ छः लाइफ हाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो जो एक सौ छह नंबर क्वेश्चन है एक सौ छह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। दोबारा देख लेते हैं लाइफ हाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही वाक्य है उसका चयन करना है तो एक नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है, है वो डी को माना है दो और चार ये सही है दो में है यह तकनीक यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है चार है लाइफ आई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी क्वेश्चन एक सौ सात है जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें तो राइट आंसर है एक सौ सात का ए जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है क्वेश्चन नंबर एक सौ आठ अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं तो एक 108 का राइट आंसर है विब्रियो क्वेश्चन नंबर है दो शाखाओं वाले समानांतर परिपथ के का प्रतिरोध 12 ओम है यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या है साथियों ये जो मैथ के क्वेश्चन है या साइंस से संबंधित इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हम आंसर ही बताएंगे डायरेक्ट आप इनको आराम से हल कर लेना समय अनुसार नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा हम अगर हल करने लगेंगे तो एक सौ नौवा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बी है छत्तीस ओम क्वेश्चन नंबर एक सौ दस है यदि कोई वस्तु तो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा होती है तो किस प्रकार की हो जाती है तो इसका राइट आंसर है सी स्थिर रहती है क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह है कोलम एक में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कोलम दो में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान करें तो राइट आंसर है एक सौ ग्यारह का डी डी है इसका मिलान करना ए में तीन हो जाएगा यानी ब्लीचिंग पाउडर है वो विरंजनीकरण में फिर बी में चार बेकिंग सोडा है वो एंटासिड सी में एक वॉशिंग सोडा है कांच बनाने में डी में दो सोडियम क्लोराइड है वो है एच टू और सी एल टू के उत्पादन में आगे क्वेश्चन है एक सौ बारह निम्न का निम्न पर विचार करें निम्न में से कौन सा समताप समतापमंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है ये तीन प्रकार की गैस दिए इनमें से बताना है तो राइट आंसर एक सौ बारह है वे क्वेश्चन का बी ऑप्शन है एक दो तीन मतलब मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड हेलोन्स ये तीनों ही ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है क्वेश्चन नंबर एक है ओ का अर्थ है तो राइट आंसर एक सौ तेरह सी ओसन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन क्वेश्चन नंबर एक सौ बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो राइट आंसर है एक सौ चौदह वे क्वेश्चन का थाइमस क्वेश्चन नंबर एक सौ पंद्रह इसरो के बारे में सही कथन का चयन कीजिए तो एक सौ पंद्रह का जो राइट आंसर है वो माना है बी दो तीन को यानी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है यह है आगे क्वेश्चन नंबर एक सौ सोलह है एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः बीस प्रतिशत एवं दस प्रतिशत की छूट देता है यदि कुर्सी का मूल्य दो हजार है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आप हल कर लेना इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ एक सौ सोलह का डीए चौदह सौ चालीस होगा क्वेश्चन नंबर एक सौ सत्रह है यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है तो राइट आंसर एक का हो जाएगा ए ऑप्शन अड़तीस वर्ष इन क्वेश्चनों को आप ही निकालना प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा अगर तो। राशि पर क्या है तो एक सौ अठारवा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है दस हजार रुपए क्वेश्चन नंबर एक सौ उन्नीस है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के पैंसठ प्रतिशत मत प्राप्त किए और ४२० मतों से विजयी हो गया यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है तो इसमें जो राइट आंसर एक सौ का वो बी है चौदह सौ क्वेश्चन नंबर एक सौ बीस है यदि तीन बटा पांच गुना है तथा सी की आई बी की आई से छह बटे पांच गुना है तो सी की आई का ए की आई से अनुपात है तो इसका जो राइट आंसर एक सौ बीस का एक बी है दो अनुपात एक अब एक सौ इक्कीसवा क्वेश्चन है इसमें आकृति पर बताया है इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं सीधा सा एक सौ का सी है ये हो जाएगा ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है एक सौ बाईसवा क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष इनमें से बताना है कि कथन है गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है निष्कर्ष है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है अब इन्हें से बताना है कथन में निष्कर्ष है वो किस प्रकार से सही है गलत है तो इसका जो राइट आंसर है एक सौ क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है एक सौ का वो है बी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है यानी ये जो कथन है इसका अनुसरण केवल ये एक करता है दूसरा नहीं करता फिर आगे क्वेश्चन है एक इसका जो राइट आंसर है एक सौ तेईसवें सीधे बता रहा हूँ मैं आपको बी ये होगा एक सौ तेईसवें में बी हो गया एक सौ चौबीसवें का है वो ए हो जाएगा ठीक है इनको आप हल कर लेना फिर आगे एक सौ पच्चीसवा क्वेश्चन है ये देखो ये इतना बड़ा है आप इसको देख लेना आराम से मैं इसको थोड़ा अब आप वीडियो को पॉज करते हुए देख लेना इसमें जो पहला ये एक सौ पच्चीसवें का क्वेश्चन पूछा है इसमें जो राइट आंसर है वो सी को माना है दस मीटर फिर आगे छब्बीसवा एक सौ छब्बीसवा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो सी को माना है एक सौ क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी को माना है एक सौ जो क्वेश्चन है ए है एक सौ उनतीसवें क्वेश्चन का आर एस एस पी के द्वारा जो उत्तर माना है एक सौ उनतीसवें का वो है डी दो सौ साठ एक सौ तीसवें का जो राइट आंसर माना है वो है सोलह है फिर ये देखो इन क्वेश्चनों को हम हल कर लेते हैं दी स्वर संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए तो राइट आंसर है 131 में बी ये असमिलित है का आगे क्वेश्चन नंबर एक है व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुम्मिलित नहीं है तो राइट आंसर एक 132 का ए सहस संघर्षहीन क्वेश्चन नंबर एक है नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है तो राइट आंसर है तैतीस का ए, सी भरतवाक्य नंबर है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है तो राइट आंसर एक सौ में बी विचारणीय पारिवारिक क्वेश्चन नंबर एक है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए तो राइट आंसर एक 135 का डी उसे परम सत्ता पर विश्वास है क्वेश्चन नंबर एक है किस विकल्प में अलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है तो राइट आंसर एक सौ छत्तीस का बी नियतन क्वेश्चन एक सौ सैंतीस है किस विकल्प में तत्पुरुष समाज का प्रयोग नहीं हुआ है तो राइट आंसर एक सौ सैंतीस का बी ऑप्शन अंधविश्वास क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़तीस है विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए तो राइट आंसर एक सौ अड़तीस का बी अधम उत्तम सौ अधम उत्तम अज्ञ विज्ञ अग्रपथ क्वेश्चन नंबर एक सौ उनचालीस है असंगत विकल्प का चयन कीजिए तो इसका जो राइट आंसर है यह बताना है एक सौ उनचालीसवे में असंगत विकल्प का चयन करना है तो इसका राइट आंसर सी है माता जी प्रतिदिन बाग में जाते हैं रंजक क्रिया ये असंगत है जो संगत है उनकी बात करें तो सक्रम क्रिया में उसने सेब खाया प्रेरणार्थ क्रिया में पुलिस ने चोर पकड़वाया में लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर है 140। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है तो राइट आंसर है एक का बी ऑप्शन चिंतन ये अंग्रेजी का है यह आपके सामने एक क्वेश्चन ये पैसेज दे दिया है इसमें आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन पेज इस पैसेज को और उसके बाद ये क्वेश्चन हल करने हैं तो इनके देख लो एक सौ इकतालीसवा क्वेश्चन है दिननम ऑफ द वर्ड स्टिफिल्ड गिवन इन द पैसेज इज तो इसका राइट आंसर है एक सौ इकतालीसवें का वह एपर फेड ये एक सौ बयालीसवा है द एंटोनेम ऑफ द वर्ल्ड कैरियोसिटी गिविन इन द पेसेज इज एक सौ बयालीसवें का राइट आंसर है बी ऑप्शन अपेथी क्वेश्चन नंबर एक सौ तिलिस है सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फोर एक सौ तिलिस में बी हो जाएगा एडोलशंस एंड एडल्टुड क्वेश्चन नंबर एक सौ चौवालीस है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिविन सेंटेंस मोम कोड यू पुट माई बुक्स इन साइड द बेग तो इसका जो एक सौ चौवालीसवें का जो हिंदी अनुवाद है वो होगा सी माँ क्या आप मेरी किताबें बेग में रख सकती है क्वेश्चन नंबर एक सौ पैंतालीस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट एस रिगार्डिंग लेटर राइटिंग द राइट आंसर है एक सौ पैंतालीसवें का सी ओनली थर्ड इज करेक्ट थर्ड में है द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स इन तीस मई 2022 हजार बाईस इंस्टेड ऑफ तीस पाँच दो हजार बाईस एक सौ छियालीस नंबर क्वेश्चन है गेव वन वर्ड सब फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। तो राइट आंसर है एक सौ छियालीस का ए सोल क्वेश्चन नंबर एक सौ सैंतालीस है चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज आइडम तो इसमें है आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे अंडरलाइन वाला बताना है तो राइट आंसर है एक सौ सैंतालीस नंबर क्वेश्चन का डी शिक क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़तालीस है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन

दैट टाइगर इज ए फेस वाइल्ड एनिमल तो साथियों हमने अभी तक एक सौ उनचास क्वेश्चन हल कर लिए हैं इनमें आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसमें आपको कहाँ से लाभ प्राप्त होगा ये मैं आपको बता दूं आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सब्जेक्ट से मिलान करते हुए आपके पास हिंदी अंग्रेजी ये और जो हिस्ट्री है पॉलिटी है इनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट है आपको ये देखना है कि जो वीडियो में हमने अभी बात की है पेपर कोड 121 ए प्रथम चरण ग्रेजुएशन लेवल की ठीक है इसमें कौन से टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और आप जितने भी ये पेपर लगे हैं इन सभी को सोल्यूशन के साथ आप पता करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का तो क्या आंसर माना है क्योंकि वो भी रिपीट हो जाए तो आपको फायदा है और दूसरा ये कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के टॉपिक से किस प्रकार का ये जो पर्सन है ये आर के द्वारा उठाया गया है और कितने टॉपिक दिए हुए हैं और उनमें मोस्टली किस किस टॉपिक से आर एस पर्सन उठा रहे हैं तो आप उसी हिसाब से स्मार्ट स्टडी के साथ मतलब आगे बढ़ते रहिए आगे क्वेश्चन नंबर डेढ़ सौ है चूज द करेक्ट ऑप्शन दे मेड माई दे मेड मी लाफ चेंज इंटू पेश पेश में चेंज करना है तो इसका राइट आंसर है सी आई वाज मेड टू लाफ तो साथियों आपने ये वीडियो देख लिया है अंत तक आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा अच्छा लगे तो लाइक करते हुए अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार और अनेकों वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत